हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कराने वाली हूँ आपके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप कोई से भी कॉलेज का एंट्रेंस देने वाले हों, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ और अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए, बिना समय गंवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने लिखना है न्यू दिल्ली। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है टोटल स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया है उसमें टोटल स्टेट्स कितने हैं, टोटल राज्य कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 28। टोटल स्टेट्स इन इंडिया 28। नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया, अब स्टेट्स के बाद आता है यूनियन टेरेटरी। तो अब से कभी भी पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरी इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला जो प्रश्न आता है वो है कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा जो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो नेशनल बर्ड जो है वो इंडिया में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकॉक। अगला प्रश्न है हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर। जब भी आपसे पूछा जाएगा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो लिखना होगा आपको टाइगर। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन, याद रखिएगा जनगण मन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। जी हाँ, ये सारे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप हमेशा याद रखिएगा। आइए जानते हैं कुछ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो वो होगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी कि जो हमारा जो भारत देश है इंडिया में हमारे कितना मेजर लैंग्वेजेस है, मेजर भाषा कौन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरला में 94% हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, अबाउट 61.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, हमारे देश के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। अरुण जेटली को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, अभी यूएन जो है जिसको हम यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, वहां का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्तगाल। पोर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द जापानीज आर्ट ऑफ अ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज डैश, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इकेबाना। याद रखिएगा द जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज इकेबाना। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आज का पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा कराएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।